हेमंत। पति का नाम जगत सिंह। स्वर्गीय लगाना फिर जगत सिंह ना। जगत सिंह। पिता का नाम, ससुर का नाम हो गया, पति का, ससुर का बता। राम सिंह। राम सिंह। गांव? गांव तो पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में किस जगह? पट्टी रिवार से मरचोरी गांव। गांव मरचोरी। गांव मरचोरी। ठीक है। कि परिवार में दो लोग जो खत्म हुए थे बेटा, दो पुरुष हैं ये आ रखे हैं पितृ, तुम्हारे पितृ रूप में आ रखे हैं बेटा ये। मैंने तो पूजा भी दी है माता, कितनी बार। किसकी दी है? पितरों की है, देवता पितरों की, पितरों की पूजा। बाबू ये तो खड़े हैं लेकिन तेरे कार्य रुके हैं बाबू, बच्चे की तरफ से आई है तू। हाँ, दो बच्चे है बस, कहे पे नहीं चल रहे ना बेटा, वही तो पितृ। ये तो पितृदोष चल रहा है बेटा, ये तो पितृदोष चल रहा है। वो खुद नहीं करते क्या पितरों की सेवा? तो पितृ तो मैंने धारणशील मतलब बाबू, ये तो पूजा होती है पर पितृदोष के जो सेवा होती है पितरों की वो देनी जरूरी होती है। ये तो नारायण में करके तुमने तो अपना हाल टाल दिया ना पितृ। तेरे बेटे नहीं करते, जब तक बेटे नहीं करेंगे दोष खत्म नहीं होने का कभी। नलायक कहाँ से तरक्की पाएंगे, तभी तो ऐसे हो रहा है। फिर तू क्यों परेशान हो रही, क्या करती है तू? मैं तो माँ हूँ उनकी ना, तब इसलिए आई मैं। मेरे को बहुत परेशानी है हमारे घर में, बहुत परेशानी। कोई मन नहीं मान रही कहना, मतलब बहू भी नहीं मान रही, बेटा भी नहीं मान रही। बाबू तो पितृदोष चल रहा है तेरे घर में ना, और कुछ नहीं है माता जी। ये पितृदोष की वजह से ही तेरे घर में ये अशांति होगी, ठीक है ना? अब मैं ये तेरा दिल खुश करने के लिए नहीं बोलूंगी, किसी ने भेज रखा है, किसी का भेजा हुआ कुछ नहीं है। मैं गलत बात नहीं करती, ठीक है? अभी पितृ ही दिख रहे हैं, पितृ खड़े हैं, पितृ दोष चल रहा है। क्या करना घर में बाबू? सुन मेरी बात, घर में नाग शक्ति है, वो ये नाग राजा भी है, नरसिंह नाग राजा। वैसे साथ ही में शिव के साथ है सारे फोटो, मतलब एक ही फोटो में सारी। घर में शिव की पूजा तो करती है ना, तो नाग शक्ति तो चली रही है। गायत्री माता की पूजा करती हूँ वैसे, पर मंदिर में जाके करती हूँ, सोमवार को जाती हूँ रोज मंदिर। हाँ तो बाबू नाग शक्ति तो घर में चली रही है, ठीक है ना? और ये कृपा तो दिख ही रही है। अच्छा ज्वाल्पा माई का कुछ कबूला था क्या? ज्वाल्पा का निकल रही है ना, थोड़ा मेरे को डाउट पड़े मेरे को। हाँ, कुछ दिया नहीं। ज्वाल्पा का ये बाबू आ रहा है, इसका दे खड़ी हो रखी है भगवती समक्ष रूप में। हाँ? कुछ नहीं तो ज्वाला की पांच बत्ती तो दे दे बाबू। हाँ? पांच बत्ती भी नहीं दे सकती, इतना तो तू चला ही रही है सब कुछ। हाँ? तो मेरे घर में जो, और तुझे पता नहीं कि तेरे पे भी शक्ति थी मेरे घर ज्वाला की है बेटा? मेरे को पता नहीं वाला कुछ ना, पर मेरे घर में जो भी है सारा कुछ सुनिए ठीक। कहाँ से ठीक होगा, शक्ति आगे खड़ी है भूखी, पितृ तेरे सेवा मांग रहे बच्चों से, कभी उनके हाथ से दिलवा तो सही, बहू से तो दिलवाए तो नहीं देते तो बाबू भूख देंगे, तो तू भी अपना फ्री हो ले, बर्बाद होने दे उन्हें। फिर देती तू परेशानी क्यों रही, उन्होंने आगे उनको परेशानी आनी है उनको। हाँ तो फिर वो तो मैंने देख लिया है, इसीलिए अपना मुंह तू अपने जग से लगा, शक्ति से लगा, बच्चों को छोड़ दे तू अब। हाँ भक्ति में लगा सेवा, गायत्री की दीक्षा ले रखी है। हाँ तो ये तो अच्छी चीज है ना, तभी तो तू बची भी हुई है। मेरे बचने से क्या, मेरे बच्चे मेरे आगे तो। बच्चे जब नहीं करेंगे तो उनको तुझे छोड़ना पड़ेगा। मेरे बचने से कुछ नहीं है, समझ रहे ना? मैं बच्चों के खाते। सुन तू तो, तुझे खुद नहीं पता, तू तो ज्वाला की शरण में है, समझ रही है? नाग शक्ति की कृपा तुझ में, कृपा उसी में तो होगी ना जो मानेगा दिल से। अब तू बोलेगी मैं मानू और कृपा उन नलायकों में हो जाए, तो ये नहीं होता। शक्ति भी अपना एक देखती है, कौन भगत है उसका,
कौन उसे पुकार रहा है, कौन उसके लिए मर रहा है, कौन अपनी भूख कम करके उस शक्ति को दे रहा है, समझिए। तो तेरा भाव भक्ति है इसलिए वो इतना भी बचे हैं। तू मत ना परेशान हो बेटा, समझ रही है ना। मेरे घर में मां कोई ठीक नहीं है, मेरे नाते भी है, 4-5 साल का वो भी ठीक नहीं है, सब की बुद्धि मतलब तो बुद्धि हो रही है, बाहों की एक किनार पानी तक नहीं देती। हाँ सब तुझे काली तो मानते हैं, वैसे भी तुझे बुरा ही तो समझते हैं। और तू फिर क्या करती है, घर में रहती है? पर मेरे घर की मम्मी जो मेरे जान मैंने घर बनाया वो कैसा है मां, बस सिर्फ कुर्सी कहां पे बैठा, तो मट्टी क्यों नहीं लाए वहां? मैं भाने वाले में बनाया घर, अपना मकान। हां कितने बिस्से में है? 5। तो मट्टी क्यों नहीं लाई, वैसे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। इधर उधर बोलते हैं लोग कि मकान की जगह खराब है। नहीं बाबू ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मुझे तू तेरे साथ अगर कोई चीज होती ना अगर घर की, तो पहले तेरे साथ यहाँ आ जाती। तब तो वही तो बता रही हूँ, तेरी चीज तो आ रखी है, कुछ नहीं है ऐसा। उल्टा ज्वाला जो ज्वालपा है तू उसकी शरण में ही है, और उसकी कृपा से ही तुझे जो गायत्री जो शिक्षा मिल रही है, जो तूने ज्ञान ध्यान ले रखा है, ये उसकी ही कृपा। ज्वालपा तो मेरी घर की, हमारी घर की कुंडली मतलब मानती है हम, तो फिर जाके हमें वहाँ तो उसकी उसकी वजह से तो तू बची है। जो भी काम करते हैं हम कुंडली में जाते, तो फिर ज्वालपा बाबू आगे खड़ी है, उसको कुछ नहीं तो 5 बत्ती जला के ना ऐसे उसके स्थान पे रख दे, 16 सिंगार दे के उसको जो ज्वालपा घर पे स्थान दे रखा है तूने, ज्वालपा की ये तो तस्वीर तो है ना, देखिए तो 5 बत्ती बना रोई की पतली पतली, एक दिए में ना बाबू 5 बत्ती बना के वो जला दिए, बोलियो माँ ये तेरी बत्ती, ज्वालपा ज्वाला तो पहले लेगी भोग में, ठीक है, और फिर उसको पान पेड़े का भोग लगा दे, या फिर हलवे चने की महीने की कढ़ाई कर देकर थोड़ा सा, उसको कुछ मिला ही नहीं है, और एक धाम में जाओ उसके, समझ रही है। ये कहीं ना कहीं बाबू वो भी रुष्टि चल रही है, लेकिन तुझसे नहीं है ये हकीकत, लेकिन उसको भी तो चाहिए ना। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही मां, मैं सच बोल रही थी, धाम में आ रखे हूँ मैं, कुछ नहीं, मैं खाली अपने बच्चों के लिए मान रही हूँ बस, मेरे बच्चे मेरे कहना नहीं मान रहे हैं। अभी पीछे किसी बच्चे का पैर भी टूटा हुआ था, पीछे भी कुछ टाइम पहले कुछ टाइम पहले की तो बात मैं बता रही हूँ, तो ये ज्वालपा ही बोल रही है बाबू, इस टाइम ज्वालपा ही बोल रही है, ठीक है ना। तो बाबू अब तू फिर भी बाबू मैं देख जो है तुझे बता रही हूँ, पहले ज्वालपा की ग्यारह ठोकरों में उन्होंने सारे कार्य करने हैं, समझ रही है ना। तो तू परेशान मत हो, कुछ वैसा नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, वो तेरा खुद मान सम्मान नहीं करते तो उनके लिए मांगने आई है, यही तो माँ का कलेजा है। अब तू देख ले ते मान सम्मान तेरा कहाँ होता है, और जो अल्बम से क्यों रुष्ट है, कोई बात नहीं मेरा ना होगा, पर मेरे बच्चे सब राजी खुशी होंगे। बाबू देख ममता वो होनी चाहिए जिसमें न्याय हो, वो ममता है किस काम की, जब वो अंधी बन जाए, और तुझे पता है तेरे बच्चे गलत चल रहे हैं, समझ रही ना। अगर तू चाहती है तो उनसे नाक रगड़वा उसके लिए, ज्वालपा के आगे और पितृ दोष चल रहा है जो उन पे, तू बता। पितरों को तो कोई हाथ तक नहीं जोड़ते, तो बस तो पितृ दोष चलेगा नहीं, जो पितरों को कभी हाथ नहीं जोड़ा, कुछ दिया नहीं। मैं तो दिया बाबू, तेरे वजह से तो तुझे रास्ता मिला है, तो बहुत तेरा नहीं बाबू, वंश का बोल रही हूँ, बेटे बहू का बोल रही हूँ, 10-15 हजार खर्च। तो फिर तो बाबू अब आगे समझ, तू तो चली गई, कल को ये सांस है आज है कल नहीं है, है ना, लेकिन तेरे जाने के बाद फिर कौन करेगा, तो वो शक्ति तो आज भी मांग रही है ना कि आज से ही करिए, नई पीढ़ी तो वो है ना बाबू, तो उनको तो उसका हाथ से चाहिए शक्ति करना मां, कुछ तो वही है, तो इसलिए अभी उनके हाल पे छोड़ दे, ठोकर लगने में ही समझेंगे वो, तू जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, तू बस अपना रास्ता सुधार बेटा, मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ जो सत्य है वो मैंने बोल दिया, अगर तुझे फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो तू परेशान होगी और कुछ नहीं होगी, इसलिए तू शांत हो जा, और उनको एक बार कह दे कि पितरों की सेवा किया करो, सुनते हैं तो ठीक, नहीं सुनते तो उनको भुगतने के लिए उनकी कर्मों पे छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते फिर तू। दोनों नहीं सुन रहे, मैं सारी रात जागती रहती हूं, नहीं सुन रहे ना, तो इसका मतलब उन्होंने अभी खानी है, मुंह की खानी है अभी। एक कोई माँ वो बता रही है हमारी, उसमें भाव मेरी बात सुन, अगर नरसिंह का होता या नरसिंह स्वयं बैठे हुए हैं इस दरबार में, शक्ति विष्णु अवतार नरसिंह की भी चलती है, ठीक है, अभी विष्णु का नहीं है,
तो मैं झूठ क्यों बोलूं? हाँ, अभी जब पितृ खड़ा है, पितृ दोष चल रहा है, ज्वल पर उठ रहा है, तो मैं कैसे नरसिंह शक्ति को बदनाम करूं? नरसिंह शक्ति ने कुछ नहीं कहा, किसी ने बताया ना तब बोले। इसीलिए तो मैंने कहा बाबू अलग चौकी में कौन क्या कहता है, लेकिन मैं बता रही हूँ अभी जो शक्ति खड़ी है, जो रुष्ट है, और दोनों शक्ति रुष्ट है, एक ज्वालपा और एक पितृ शक्ति। अगर तुझे अपनी माई पे यकीन हो तो करियो, नहीं तो बाबू मर जीती। ठीक है माँ, मैं जाऊंगी घर, पर पितरों को नहीं, दिवाली वाले इसलिए तुझे रास्ता मिल गया, तेरा मोक्ष द्वार, तेरे को मोक्ष अच्छा मिलेगा, बस इतना कह रही हूँ। तू ज्वालपा की शरण में है, तू ज्वालपा की बेटी है, समझ रही है ना, तो तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए तू इनके बारे में छोड़ दे। इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ इनके ये मूखी तो खाएंगे, लेकिन आएंगे सही रास्ते पे। और लेकिन जब तेरे बाद आएंगे सही रास्ते में तो क्या, तब क्या करना है, जब तू तेरा मना दुखी है, अभी भटक रहे है वो, भटक अपने कर्मों से रहे अभी, क्योंकि तू है ना, तू बचा रही है इन्हें अभी, ने जब लगेंगे झटके तब इन्होंने सुधरना है, सुधरना तो बेटा है, लेकिन ये माया शक्ति का ही है। इसलिए तू शांत हो, अपना पितृ अपनी जो सेवा तू वो कर, अपना मन तो अपनी भक्ति में रख, तेरे साथ स्वयं ज्वाल पकड़ी है, समझी ना, बस अच्छा सोच, अच्छा कर ले बाबू।